हेलो एवरीवन, कुकिंग हॉबीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा सूप बनाएंगे जो कि सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है। जब सर्दी जुकाम हो, खांसी होने से गला दुखने लगता है, गला दर्द करने लगता है जब, तो यह सूप बनाकर गर्मा गर्म पीने से बहुत फायदा करता है। तो हम कोहरौड़ी का सूप बनाएंगे, इसको सफ़ेद कद्दू का बड़ी भी कहते हैं। तो खांसी होने पर यह बड़ी खाने से और सूप पीने से बहुत आराम मिलता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च तोड़कर मैंने इसका बीज निकाल लिया है। अब इसमें बड़ी डालेंगे और इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसमें तुरंत पानी डालेंगे ताकि हल्दी जले ना। चला लेंगे एक बार। नमक डालेंगे और फिर इसको ढक देंगे और ढक करके जब तक अच्छे से बड़ी पक जाए तब तक इसको उबाल लेंगे। देख लेते हैं। ये देखिए बड़ी अच्छे से पक गई है। गैस ऑफ कर देंगे और इसको उतार लेंगे। तो सूप हमारा बन गया है, इसको सर्व कर लेते हैं। सिंपल सा सूप है लेकिन बहुत फायदा करता है, इसको आप लोग जरूर ट्राई करें। सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 मिनट लगता है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो बस हमारा सूप अब रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर सूप पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।